धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर कुंती गंधारन धृतराष्ट्र दुनिया से चले गए। अपने चारों भाई बुलाए, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, और कहने लगे भैया बहने न से नीर गुरुदेव धरे ना धीर गिरायु चारी भीम सेन के सुन रे हो अब तो बात हुआ रे हमारी। धर्मराज कहने लगे रोतम पैदा भाई समय अब गए सुनो चितधारी जय हो गुरुदेव। रोने वाले भी संग छोड़ के गए स्वर्ग सिदारी। भैया रोने वाले भी साथ छोड़ गए ऐसी अकली बताए जो चित्त को धीरे धराय दे परीक्षत को कहने लगे भैया नकुल सहदेव भीम अर्जुन हम तुम रोते रोते पैदा हुए, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई, रोना ही हाथ लगा। अगर प्रायश्चित करना है तो चलो हिमालय में गल जाएं। उसी समय परीक्षत को दिल्ली का राज्य दिया। और मेरे प्यारे भक्तों पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर के हिमालय में गलने को चले। धर्मराज के साथ में काला कुत्ता है जो धर्म का प्रतीक है। कुत्ता आगे है, कुत्ता के पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, फिर नकुल सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। जब हिमालय पे पहुंचे मेरे प्यारे भक्तों द्रौपदी पहले गलन लगी, घुटनों तक गल गई, सोई गिर गई। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, एकदम बोली पिया भीम मैं गल रही हूं। जो भीम ने द्रौपदी को देखा तो धर्मराज से कहा भैया धर्मराज द्रौपदी गल गई। तो धर्मराज ने पीछे ना देखो आगे मुखियों का भीम इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आए ही हैं। भीम कहने लगे भैया धर्मराज एक बात बताओ, जब द्रौपदी पहले क्यों गली, जब तो सबके पीछे थी। तो धर्मराज कहने लगे अनुज भीम इस औरत को अपने जोबन पर बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था। जब जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। जब जासों गली और जो मां भारत को जाई नहीं कराए दो, जब तासों गली द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए,
भीम अर्जुन गल गए धर्मराज को अंगूठा गलो क्यों थोड़ा झूठ बोल गए थे अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कन्हैया के कहने से झूठ कर दी थी। अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। गुरु द्रोणाचार्य को यह श्राप था कि जब तुम अपने बेटा की मौत का समाचार सुनोगे सोई तुम मर जाओगे। तो गुरु द्रोण को मारने के लिए इन्होंने कहा अश्वत्थामा हता नरबा कुंजरो नहीं कह पाई। मरा था अश्वत्थामा नाम का हाथी। गुरु द्रोण ने प्राणांत कर दिया। तो जीवन में एक बार झूठ बोले अंगूठा गलियो। और हम तो सवेरे संजल के तो झूठ बोलते जो बताओ मरे हो के जिंदा। अगर आधार को पूछी जाए तो हम तुम जिंदा नहीं हो। आप लोग सोचते होंगे क्यों, तो बता दूं आपको जिंदा मुर्दा की पहचान। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु प्रीति लगा। मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सत सदा झूठन को मुर्दा जान रे। आधार तुम्हें अब बतलाएंगे सुनो लगा कर ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं। सुबह उठते हैं नहा करके प्रभु का ध्यान करते हैं कि हे मेरे दाता हमसे ऐसा कोई काम न हो जाए मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। महर्षि दयानंद सबसे ज्यादा किस मंत्र का जाप करते थे? ओम विश्वान देव सवितर दुरितान पराशो यद्रम तन्यास्वा। इस मंत्र का भावार्थ बड़ा गंभीर है। तो याद रखिए भाइयों और बताएं सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी हैं। मरे हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। मरे हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। मरे हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी हैं। मरे हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी हैं। हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्म
कितनी सुंदर बात आई, सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों का भला बुरा नहीं देखते, वो मुर्दा हैं। और चाहे अपनों काम भले बिगड़ जाए, दूसरों का काम बनाने में लगे हैं, वो जिंदा है। तो पंडाल में कितने भैया ऐसे बैठे हो कि अपनी बिटिया की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने ऐसे बैठे हो जो अपनी हवेली बनवाने से पहले किसी संत महात्मा की झोपड़ी पर फूस डालते हो। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी, जिंदा सब ब्रह्मचारी। अपनी औरत काली कलूटी कुरूप सुंदर चतुर पागल कैसी भी है, वो ही हृदय की देवी है, वो ही महलों की रानी भी है और दिल की भी रानी है, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, वो जिंदा है। और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, कि घर में भूखी नंगी बैठी घर वाली और रसगुल्ला खाई रही बाहर वाली, ऐसे कुत्तन को न यहां जगह है और न परमात्मा के यहां जगह। ध्यान रखिए, आज दादा का अंगूठा, गला, मेरे भाइयों, विमान आया, विमान में बैठ करके दादा भीष्म स्वर्ग को चले गए।